और मुझे पूरा विश्वास है कि जो सोच विचार करके इनको टिकट मिला है और ऐसे उम्मीदवार हैं, नौजवान हैं, और सबसे बड़ी बात कि गरीबी इन्होंने देखी है, गरीब परिवार में जन्मे हैं, अपने मेहनत पर यहाँ तक आ गए, पार्टी का काम किया, और यही नहीं सबसे बड़ी बात जो है नवादा ही संसदीय क्षेत्र के लोकल कैंडिडेट हैं। ये भाजपा वाले लोगों ने नवादा को प्रयोगशाला बना दिया है। सही बात है। कभी उसको ले आओ जी ठेल दो नवादा, उसको ले आओ जी ठेल दो नवादा। सही बात है। ये जो ओवर कॉन्फिडेंट है ना इन लोग, सारा ओवर कॉन्फिडेंस निकल जाएगा इस चुनाव में। बेटा को भाई को टिकट दिया है, आप बताइए कितना साल से वही लोग जीत रहे हैं, संसद में वही लोग हैं कि नहीं, कितना साल से है? 15 साल से। मोदी जी कितना साल से प्रधानमंत्री है? 10 साल से। और भाजपा में डबल इंजन का सरकार बिहार में कितना है? 18 साल चल रहा है कि नहीं? राज्य सरकार उनका 17 साल से, 10 साल से भारत सरकार, और 15 साल से उन्हीं लोगों का सांसद। बताइए, दिल पे हाथ रख के बताइए कि गरीबी खत्म हुई है? नहीं हुई है। गरीबी कम हुआ या बढ़ा है? आप बताइए, शिक्षा व्यवस्था सुधरी है? नहीं सुधरी। आप बताओ, कितना नौजवान हाथ खड़ा करके बताओ अभी भी बेरोजगार है? बेरोजगारी नहीं मिटी, गरीबी नहीं मिटी। आप बताइए, महंगाई बढ़ा कि कम हुआ? बढ़ा। सिलेंडर का दाम कितना हो गया? 1500 है कि नहीं? आम आदमी, गरीब आदमी कहाँ से चला पाएगा? नहीं चला पाएंगे। गरीब आदमी का बाल बच्चा सोचता है कि भाई पढ़ाए लिखाए, परिवार में अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उसको दवाई कराए, इलाज कराए, पढ़ लिख ले। माँ बाप अपने बच्चों को पेट काट के पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, ताकि बड़ा हो जाएगा तो अपने पैर पे खड़ा हो जाएगा, तो बुढ़ापा में सहारा हो जाएगा हमारे बाबू। लेकिन ना तो मोदी जी ने नौकरी दी 10 साल में, ना यहाँ नीतीश जी ने, आप देखिएगा 17 साल से डबल इंजन की सरकार है, कोई इस पे गरीबी पे चर्चा नहीं करता, शिक्षा चिकित्सा पे चर्चा नहीं करता, पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई सुनवाई कार्रवाई पे चर्चा नहीं होती है? नहीं होती है। मोदी जी आएंगे, बताएंगे कि ये कपड़ा पहनना चाहिए, ये खाना चाहिए, ये पीना चाहिए। अरे आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप प्रधानमंत्री, आपको ये सुनिश्चित करना है कि गरीबी हटे, हमारे देश में खुशहाली हो, हमारा गांव आगे बढ़े, बिहार के लोग तरक्की कैसे करें, पलायन कैसे रुकेगा। और मोदी जी तो हर 5 साल पे आते हैं, नवादा आए थे, नवादा आए उससे पहले कब आए थे? 5-10 साल पहले। पिछले बार क्या आए थे, क्या कहा था उन्होंने? दूसरा नौकरी देंगे, अच्छे ने कहा गए, कुछ भी नहीं किया, अच्छा दिन कुछ नहीं किए, कैसे आएगा भाइयों बहनों? और उन्हीं पैसों को हर एक जनता के खाते में 15-15 लाख रुपया दूंगा। नहीं, और क्या क्या बोले थे? 15 रुपया। भाइयों बहनों, हेलो, मोदी एक बार आ जाएगा तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे देगा। नहीं दिया बिहार को विशेष। अरे अभी भी आए तो नहीं पता, अभी भी आए तो नहीं पता कि बिहार के लिए 5 साल में क्या करेंगे, गरीबी खत्म कर देंगे। भाइयों बहनों, भाइयों बहनों।
कर देगा। बड़ा कटनी हो रहा है, फसल का दाम भी सही नहीं मिल रहा है। अरे मोदी जी तो गोबर के भी हलवा बना करके परोस देते हैं। आप फोड़ देंगे फिर चश्मा दे देंगे और बोलेंगे देखो हमने चश्मा दिया। महंगाई पहले ढाई लगती थी, अब इनकी महबूबा लग रही है। देश का निर्माण, देश का निर्माण लालू जी हम लोगों की सोच है कि जब तक हमारा गांव आगे नहीं बढ़ेगा, गांव के लोगों की तरक्की नहीं होगी, तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता। ईमानदारी से पूछे कि इनके 39 साल से जीत के गए थे 40 में से किसी का आता पता नहीं रहा 5 साल में। आप बताओ नवादा के लोग ऐसे लोगों को जिताओगे कि जिनका आपको पता भी नहीं पता कहाँ है, एड्रेस क्या है भाई उनका, हाँ पता है, सब चीज पता है। कुछ होगा रात बिरात में तो तुरंत पहुंच जाइएगा। और इन्होंने तो गरीबी देखी। सही बात है, मोदी जी नवादा आए थे, नवादा आने से पहले हमने जो गड़िया रहे थे परिवारवादी, तो हम ट्वीट कर दिए। हमारे चाचा ट्वीट को बोलते चिचियाना, वो अलग बात है, चाचा का हमारा सम्मान बढ़ेगा। बात सुनिए भाई, गिरेंगे। हम ट्वीट कर दिए, हम बोले मोदी जी आप बिहार आ रहे हैं, पहला चरण का चुनाव है, 4 सीटों पर चुनाव है, आप हमको परिवारवादी कहते हैं तो आप अपने घर से पहले परिवारवाद को खत्म कीजिए। लिख दो कि कोई भाजपा के लोगों को नेता का बेटा को टिकट नहीं देंगे। लिख के बता कोई भी गठबंधन वाला उनका जो साथी है पार्टी है कोई परिवारवादी नहीं होना चाहिए। अगर हिम्मत है तो तेजस्वी का चैलेंज स्वीकार करिए। आपका नवादा में है, जमुई में है, गया में है और औरंगाबाद में है। औरंगाबाद में सुशील कुमार जी उनके पिता जो कांग्रेस के नेता रहे, लगातार वही परिवार को इधर से उधर टिकट मिलता रहा। नवादा ये तो कौन है भाई, सीपी ठाकुर जी के बेटे विवेक ठाकुर है कि नहीं। गया में मांझी जी का बेटा मंत्री उनकी समधन विधायक। और जमुई चल जाए तो पहले चिराग जी रामविलास जी के बेटे, अब चिराग जी अपन जिज्ञा जी के बेटे। अरे भाई वाह, देखिए कितना बड़ा अंतर है रे भाई कथरी और कर्दी में, है कि नहीं है। बीजेपी का मतलब पड़का झूठा पार्टी, लालू जी को बोलते हैं। अरे लालू जी रेल मंत्री से 90,000 करोड़ का मुनाफा दिया जो आज तक किसी भी देश के मंत्री ने नहीं दिया। हर बजट में रेलवे का बजट में किराया कम किया, सब कुली भाई को परमानेंट कर दिया देश भाई के, देश भर में जितना कुली था सबको नौकरी, एसी में भी सफर करे गरीब, क्योंकि गरीबों का ना लाइफ लाइन है भाई, सवारी असल रेलवे गरीबे भाइयों का है। तो लालू जी तो भाड़ा कम करते थे और ये भी सोचे कि स्लीपर के रेट पर एसी में चढ़ ले तो गरीब रथ जैसा ट्रेन खोलने का काम किया लालू जी ने। यही नहीं, बताओ मोदी जी आप तो रेलवे को बेच दिए है, प्राइवेटाइज कर दिए, वो तो छोड़ो लेकिन आपने कितना कारखाना दिया रेलवे को बिहार में। लालू जी है तो 3-3 कारखाना रेलवे को देने का काम किया, छपरा मधेपुरा हर जगह जी हो पहिया कारखाना हो। आज देश में अगर ट्रेन दौड़ रहा है तो उसका चक्का आपके बिहार में बनता है। सही बात है, लालू जी का काम।
अगला लुए जी का गलियार क्या किया भ्रष्टाचारी। हाँ भाई हाँ, जो बीजेपी से हाथ मिलाएगा हो जाएगा राजा हरीश चंद्र, जो नाम मिलाएगा उसके पीछे छोड़ दिया जाएगा इनका सीबीआई आ जाएगा। अरे हम तो बोल रहे हैं, आप ही लोग बता रहे, सीबीआई आ जाता है। कितना नेता लोग का सफाई हो गया। मोदी जी जाते थे ऐसा, जो अभी के मुख्यमंत्री वहां के चुनाव से पहले भ्रष्टाचारी है, करोड़ों का घोटाला किया। अब भाजपा ओथ जा रहे लेने तो माला से पाला पहना रहे, बीजेपी में ज्वाइन करा रहे। शरद पवार जी के भतीजे होगा 70,000 करोड़ का घोटाला किया, कोनो आदर्श घोटाला किया। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री जिनका घोटाला में नाम आया, ईडी सीबीआई सब केस बंद कर लिया जब बीजेपी में चले गए। तो अजीत पवार तो उप मुख्यमंत्री बना दिया, तब भ्रष्टाचारी मोदी जी को नहीं दिखता है। मतलब ये ताराशाही है, जिसको मन करे उसको भ्रष्टाचारी बना देंगे। देश के संविधानिक संस्थाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अरे मोदी जी प्रधानमंत्री आएंगे और जाएंगे, आपने कोई अमृत पी के नहीं आए हैं, आप कोई देवी और देवता नहीं है, आप भगवान नहीं है, आप अमर नहीं है। एक बार इंसान पैदा होता है तो उसको जाना होता है, लेकिन कम से कम देश के संविधानिक संस्थाओं को बर्बाद मत करो। प्रधानमंत्री बहुत बदलेगा लेकिन संवैधानिक संस्थाएं वही की वही रहेगी, उनको ईमानदारी से काम करने दीजिए। इसलिए आप लोगों के बीच हम लोग आए। देखो भाजपा को तो लात मार के जब हमारे चाचा हमारे साथ मिले, माफी मांगा हमसे, हम उप मुख्यमंत्री बने, बीच में हमने क्या कहा था कि हम तो मुख्यमंत्री बनाओगे तो 10,00,000 सरकारी नौकरी देंगे। बोले थे कि नहीं बोले थे? बेईमानी हो गया हमने के साथ, 4-5 सीटें इन्होंने कर दिया सर। सरकार तो बन गया था 4 बजे रात के अंधेरा में, फिर काउंटिंग शुरू किया, खैर कोई नहीं। क्या है, जनता मालिक है, जनता देख रही है, हम तो सब आप ही लोगों पर छोड़े हुए। लेकिन जब लात मार के भाजपा के एन ए आए, मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे थे कि भाजपा वाला हमारा पार्टी तोड़ रहा था, और सही में तोड़ रहा था। पूछिए मुकेश सहनी जी के, बताइए उनके साथ है, इन्हीं की वजह से सरकार बना और इन्हीं का पटिया तोड़ दिया विधायक लोग खरीद के भाजपा वाला। अब नीतीश जी दम भयभीत हो गए, रे भाई ये तो हमारे पीछे हम लगेगा, हमारे तोड़ेगा। तो हमारे पास आए, माफी मांगा, हम बोले चाचा छोड़िए ना, बुजुर्ग है, सबसे बड़ा पार्टी मेरा है, हमको कोई हड़बड़ी नहीं है। संविधान की बात आएगी, लोकतंत्र की बात आएगी तो जो त्याग लाऊंगा तेजस्वी त्याग करने का काम करेगा, लेकिन अपने लोकतंत्र को बचाएगा। देश भर में हम और चाचा हम लोग घूम घूम करके इंडिया गठबंधन बनाए, और बाद में चाचा जी पलट गए। पलट गए तो पलट गए, लेकिन इज्जत है, सम्मान है, बुजुर्ग है। लेकिन चाचा जी से एक एक बात है कि भाई जहाँ रहिए अस्थिर रहिए, एक बार चुन लीजिए, फैसला ले लीजिए। अब हेले हमें ढूंढलाइए मौत, फुटबॉल मत बनी है कि नहीं। अब इस उम्र में शोभा देता है, इस उम्र में तो नहीं शोभा देता। आज आए मैं आज रोड शो पे आने, अगर आप पहली बार लोग रोड शो पे देखे हैं, हम भी इससे पहले रोड शो किए थे, इसी ग्राउंड में किए थे भाई, जन विश्वास यात्रा में सब लोग आए थे, आशीर्वाद देने साथ देने। चलिए अच्छा बात है, घूमे चाचा जी, लेकिन बीजेपी वाला मना ना कर दिया नवादा के बाद। नवादा में क्या बोल दिए थे, सब पकड़ के रखते हैं, रोडे में भेजो भाषण मत बोलो, कहीं गलती से फिर महिला वाला बात बोल देंगे तो और गड़बड़ा देंगे। गांजा पीने का भैया, गांजा पीने लगता है, गांजा
गांजा पीने जाता है, शॉटर मारा था। इसलिए भाई सोच लो इन लोगों का क्या तालमेल है। एक बार ओथ लेता तो बनता है 5 साल के लिए, आई 3.5 साल राज्य सरकार का हुआ, नवंबर में अगला साल चुनाव है, 1.5 साल बाकी बा, आई 3 साल में 3 बार ओथ ले। गजब हाल है, गजब है। तो मोदी जी बड़ा तू चिल्ला चिल्ला के कहत रहला, क्या कहत रहला कि मोदी का गारंटी बड़ा मजबूत गारंटी है। अरे मोदी जी मेरे चाचा का गारंटी लेके दिखा दो, बाकी बात गारंटी लेकर के दिखा दो। हम तो नहीं कहते, चलो क्या इतना हिम्मत नहीं थे मोदी जी, 56 इंच के सीना बा, लेकिन हमारे चाचा के गारंटी ना लेते। यार अलग बात है जो बात है, लेकिन मोदी जी का गारंटी तो चाइनीज मान वाला गारंटी, एक दो बार खेलेंगे उसके बाद खत्म हो जाएगा, टूट टूट जाएगा, समझे इसका मायने। जब तक चुनाव है तब तक उनका वादा है और गारंटी है, चुनाव जैसे खत्म होगा तो नवारा के लगा पर काम बढ़ाई चलेगा। मोदी जी आइए बढ़ाई तो ना रहिएगा, लेकिन मेरा मानना है कि ये देश का चुनाव है, लेकिन देश के निर्माण में जब तक गांव, क्योंकि भारत की आत्मा गांव में बसती है और लोकल मुद्दा हावी है। अरे बताइए लोकल मुद्दा हावी है कि नहीं हावी है, आप लोग पूछिएगा मेरे लिए क्या किया, हमारे गांव के लिए क्या किया, हमारे राज्य के लिए क्या किया, हमारे जिले के लिए क्या किया, तो उस पर आप लोग सब लोगों को रहना है। अब सब पिछड़ा भाई, सब अति पिछड़ा भाई, दलित भाई, आदिवासी भाई, अल्पसंख्यक भाई, स्वर्ण भाई, इस बार एक हो चुके हैं नवादा में, इस बार लालटेन जलने जा रहा है। चुपचाप हम लोग ए टू जेड वाले पार्टी है, पार्टी है, बी से बहुजन, ए से अग्रा, ए से आदि आबादी, और पी से पुअर मतलब गरीब यानी बाप। तो हम लोग जोड़ने वाले हैं, तोड़ने वाले नहीं। तेजस्वी ने 17 महीने जो किया, 17 साल में ये नहीं कर पाए। देश को बताओ किस राज में 5 लाख सरकारी नौकरी मिला, तेजस्वी के जाते ही पेपर लीक हो गया। ये लोग क्या बात करेंगे, इनका नेता ने बता पेपर लीक होता तो कितना नुकसान होता है। अरे हम तो पता है क्या करने जा रहे थे, यहाँ बोला कि जितना फॉर्म भरता है दो जवान मेरा भाई, तो फॉर्म का फीस हम लोग नहीं देंगे। हम बोले परीक्षा केंद्र तक का खाड़ी किराया जो है वो कर दिया जाएगा राज्य सरकार द्वारा, लेकिन पुराना ख्याल के है, हम लोग नए सोच के है, नया बिहार बनाना है, आपकी तरक्की हो, बिहार हमारा आगे बढ़े, ऐसा सुनहरा काल लाना है। ठीक का मुकेश सहनी जी ने ठेका पे दे दिया गया आर्मी का सेना वाला बहानी जो हो गया है, 22 साल जवानी, हम शादी किए 32 साल 31 साल में, मेरा चॉइस था, लेकिन बता 22 साल में आजकल किसी का शादी हो रहा है, उससे पहले ही रिटायर हो जाएगा तो करेगा क्या, करिएगा एक बात। मोदी जी इतना देश 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 करते हैं, मोदी जी आपके ये जो योजना है आर्मी वाला, अग्निवीर योजना में अगर कोई मेरा भाई सरहद पे गोली लग गया, शहीद हो गया,
तो उसको शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। नहीं मिला। कैंटीन का जो व्यवस्था होता है कैंटीन का व्यवस्था नहीं मिलेगा, पेंशनों नहीं मिलेगा, राजकीय भी नहीं मिलेगी, बताइए तो करेगा क्या? ऐसा ऐसा योजना है, आप लोग हमारा सरकार बनाइए, सभी मिलिट्री फोर्स वाला सीआरपीएफ वाला सबको शहीद का दर्जा दिलवाएंगे, आपका पेंशन मिलेगा और पेंशन नियम को लागू करेंगे, सारे काम को करेंगे। आप लोग एक बार मौका तो दीजिए, कुछ लोग रूठेंगे, कुछ लोग कुछ करेंगे, भाई टिकटवा तो एक ही बना है। अब बता हम अपने लोगों से पूछना चाहते हैं, जोड़ना है कि नहीं जोड़ना है? बिहार सरकार बनाना है कि नहीं बनाना है? आप लोग चाहते हो तेजस्वी को मुख्यमंत्री देखना? दोनों हाथ ऊपर करके बताइए, अगर आप लोग तेजस्वी को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं तो मेरा भाई श्रवण कुशवाहा चुनाव लड़ रहा है, सबको हम लोग मान सम्मान देंगे, तब ना सब लोग हमको भी मान सम्मान देंगे। जुड़ करके रहना है, साथ रहना है, और एक बार ध्यान में ज्यादा बात नहीं कहेंगे, एक बात क्या कि जाने भाई रामनवमी आवे के बाद सब मोदी जी नौकरी पे ना बोलिए, गरीबी पे ना बोलिए, ये क्या करेंगे? हिंदू मुस्लिम समझे, वो लोग तलवार बांटा, हम लोग कलम बांटे। दंगा फसाद होता है तो सबसे ज्यादा नुकसान नौजवान को तो होता ही है, नौजवान जेल पहुंच जाएंगे, उनका भविष्य खराब होगा, छुड़ाने के लिए माँ बाप परेशान रहेंगे, फिजूल का खर्चा होगा, वकील का, थाने का, अपना ही लिए दिए होता है। सोचो सब परेशान, माँ बाप बहन भाई बेटा बीवी सब, और हम कलम बांट रहे तो नौकरी मिल रहा है, नौजवान के ब्याह हो रहा है, और अकेले घर शांति अमन चैन से घर का खर्चा चल रहा है, चल रहा कि नहीं चल रहा? जो भी पांच लोग को मिला, हम रहते तो अब तक 10 लाख पूरा ना हो गया होता है। उप मुख्यमंत्री बना दिए है, पैसा खा लेंगे, पांगड़ी पहनेंगे तो नीतीश जी के कबार के कबार देंगे, तब हम अपना पगड़ी उतार, पगड़ी खोला अभी तक देख लीजिए, साथे बैठल थे तो हमको कुछ कहना नहीं है। अब जब मोदी जी डीएनए का गाली दे दिए तब नीतीश जी पैर छू रहे थे नवादा में, यही नीतीश कुमार थे जो बाल और नखून कटवा के पीएम को भेजे डीएनए टेस्ट करा लो कि देखो बिहारी का डीएनए गड़बड़ है कि ठीक है। अरे क्या स्थिति हो गई हमारे चाचा की, ओहो हो बहुत तकलीफ हो रहा है, बहुत दिल से पीड़ित हो रहा है, बताइए। खैर छोड़ो, लेकिन एक रहिएगा कि नहीं रहिएगा सब? अगर रूसन मठान है सब तो अपने सब जोड़ना है मनाना है, कोनो खाली थोड़ी ना हम बैठने दिए किसी को, सब कोनो ना कोनो जगह पर बैठने न दिया है, और लोगों को नहीं बैठाए, सबको ना बैठाना है, सबको इज्जत सम्मान देना है, सबको साथ लेकर के चलना है, चाहे स्वर्ण जाति के भाई हो, पिछड़े हो, अति पिछड़ा हो, दलित महादलित आदिवासी, हमारे अल्पसंख्यक, हमारे बिहार के लोग हैं भाई, और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि कोई कितना हमको गाली दे, चलो मेरा भाई है, हम मनाएंगे, काम करके मनाएंगे, लेकिन एक मौका तो आप लोग दीजिएगा क्योंकि आप ही लोग का मालिक है। तो 19 तारीख के चुनाव है और 1 नंबर पे है, 3 नंबर पर, 3 नंबर पर है, लालटेन देखिए सीना में गाड़े हुए हैं, लालटेन दिख रहा है कि नहीं? आप लोगों के सीना में गड़ा है कि नहीं गड़ा?
चुपचाप लंदन जाओ, चुपचाप लंदन जाओ, चुपचाप लंदन जाओ, भारी बनाओ नवादा बचाओ, भारी बनाओ नवादा बचाओ, भारी बनाओ, भारी बनाओ। मोदी जी आएंगे तो याद दिला दीजिएगा कि आगे कैंडिडेट कौन है, परिवार वाले जिनका माला पहना दे, अरे ओंकार ना बढ़िए पहना दे। जनता, बहुत बहुत धन्यवाद।